तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुछ तरीके हैं जिनकी वजह से जिस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं, कुछ गलत तरीके जिनकी वजह से आपका स्मार्टफोन जो है लॉन्ग टर्म में परेशानी देता है, यानी आगे चल के जो है आपके स्मार्टफोन खराब हो सकता है, अच्छी परफॉर्मेंस आपको ना दे, लैग हो, यहाँ पर CPU अच्छे से वर्क ना करे, GB वर्क ना करे, थोड़ी स्टोरेज खराब हो जाए। तो अगर आप इन सब परेशानियों से बचना चाहते हैं और अपने फ़ोन को लॉन्ग टर्म तक यूज़ करना चाहते हैं और इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो में, तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। और मेरा नाम है भानु प्रताप और मिस्टर वी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप। पहली चीज़ जब वो अपने स्मार्टफोन के साथ लोग करते हैं तो बात कुछ ऐसी है, यहाँ पर मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में जितने भी फ़ोन मैंने यूज़ करे लोगों के देखे हैं स्मार्टफोन, तो ऐसे में क्या होता है वो उनमें मतलब ज़्यादातर स्मार्टफोन्स में जो है आपको देखने को मिलते हैं बैटरी सेवर्स और जो मतलब क्लीनर्स वगैरह होते हैं, रैम वगैरह क्लीन करते हैं, वो एप्लीकेशन जिन्हें कि आपको अपने स्मार्टफोन में यार डेफिनेटली इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आपका फ़ोन, आपका प्रोसेसर, आज के टाइम के फ़ोन्स जो है वो सभी इतने कैपेबल हैं कि अपने अंदर की सारी चीज़ों को अपने साथ क्लीन कर सकें और आपको जो है एक बैलेंस परफॉर्मेंस दे सकें। और यहाँ पर बैटरी सेवर को इंस्टॉल करने से कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पर कोई बैटरी सेवर ऐसा नहीं होता है कि आपकी परफॉर्मेंस को डिक्रीज़ करके या कोई ऐसा कुछ करके आपके लाइफ को बढ़ा देगा, आपके बैटरी की लाइफ को, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो है बेसिक चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो सेटिंग्स आपको करनी होती हैं अपने स्मार्टफोन को खुद ही करनी होती है, वो एप्लीकेशन सिर्फ आपको कुछ नहीं करता है, आपको सिर्फ बैटरी स्टेटस बताता रहता है कि आपकी बैटरी इतनी चार्ज है, और मतलब कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। सिर्फ वो इंस्टॉल होने के बाद आपके फ़ोन में स्पेस घेरती हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट डाल देती हैं जिनसे कि आपको स्मार्टफोन को यूज़ करने में थोड़ी दिक्कत आती है, अनोइंग लगता है स्मार्टफोन को यूज़ करना। तो डेफिनेटली यार आप जो है बैटरी सेवर्स या क्लीनर्स को इंस्टॉल ना करें, ऐसी रिकमेंडेशन मैं आपको दूंगा। तो फ्रेंड्स, दूसरी जो गलती अपने स्मार्टफोन को यूज़ करते वक्त लोग करते हैं वो ये है कि बार बार रीसेंट ऐप में से सारे एप्लीकेशन को क्लीन करते रहते हैं, जो कि मतलब ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके प्रोसेसर इतने कैपेबल हैं कि उतनी रैम जो है टाइम टू टाइम आपके लिए फ्री कर सकें कि आप जो है एक बैलेंस परफॉर्मेंस आपके फ़ोन में मिल सके आपको। यानी आज के प्रोसेसर्स इतने कैपेबल हैं, इतने स्मार्ट हैं कि अपने आप ही जो है पीछे बैकग्राउंड में जितने भी एप्लीकेशन चल रहे हैं वो पता कर लेती है कौन सा एप्लीकेशन काम का है कौन सा नहीं है, उसे अपने आप ही बंद कर देती है। यहाँ पर मतलब आपको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आप बार बार रीसेंट ऐप्स में जाके क्लीन कर देते हैं, आप सोचते हैं हमारे रैम बढ़ गई, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर कुछ छोटे मोटे उन एप्लीकेशन के कुछ कैचेज होते हैं जो कि उस वक्त इंस्टॉल हो रहे होते हैं या सेव हो रहे होते हैं, तो वो जो है आप सेव होने से रोक लेते हैं रिसेंट ऐप्स को क्लीन करने की वजह से, और जिस वजह से आपके स्मार्टफोन को आगे चल के थोड़ी परेशानी हो सकती है और मतलब अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा फ़ोन। अगर आप बार बार रिसेंट ऐप्स को क्लीन करेंगे तो डेफिनेटली मत किया करिए, क्लीन जितना हो सके मत कीजिए, क्योंकि आपका CPU है वो अपने आप ही मैनेज कर लेता है सब कुछ। तो फ्रेंड, यहाँ जो असली नई और एक और अजीब सी दिक्कत आती है आपके स्मार्टफोन में वो आती है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की वजह से। तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज़ ना करें, अपने सेटिंग्स में जाकर सिक्योरिटी में जाइए और सभी जो एक ऑप्शन वहाँ आपको देखने को मिलता है अननोन सोर्सेज, उसे जो है आप ऑफ करके रखें, उस पर टिक नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि इससे होता क्या है आप मतलब जैसे कोई एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिली और बाहर से आप इंस्टॉल करेंगे तो वो एप्लीकेशन अननोन सोर्स अगर ऑफ होंगे तो बाहर से इंस्टॉल नहीं होगी, या कोई भी बाहर से कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर आता है तो वो भी इंस्टॉल नहीं होगा और आपका फ़ोन जो है वो डेफिनेटली सेफ रहेगा। और मतलब बाहर की थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज़ मत कीजिए, क्योंकि प्ले स्टोर में और पहले से ही इतने एप्लीकेशंस हैं जिन्हें कि आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर प्ले स्टोर में वो एप्लीकेशन नहीं है तो डेफिनेटली यार वो आपके स्मार्टफोन की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ये अगर वो एप्लीकेशन आपके स्मार्टफोन में सपोर्ट करती है या आपके स्मार्टफोन में यूज़ करने लायक होती है तो डेफिनेटली प्ले स्टोर पर ही मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो डेफिनेटली यार उसे बाहर से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है आपको, इससे आपके फ़ोन को लॉन्ग टर्म हार्म के साथ साथ शॉर्ट टर्म में इंस्टेंटली हार्म भी पहुँच सकता है यहाँ पर आपके स्मार्टफोन को। तो फ्रेंड, यहाँ जो अगली दिक्कत आती है वो मतलब विंटर्स में ज़्यादा नहीं आती है, समर्स में आती है, क्योंकि बात को जैसे गर्मी में अगर आप अपने स्मार्टफोन को धूप में ज़्यादा टाइम तक सनलाइट के एक्सपोजर में रखेंगे तो यहाँ पर होता क्या है कि आपके स्मार्टफोन की जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है और उससे जो है आपका फ़ोन हीटअप हो जाता है और मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके बैटरी पे इसका इफेक्ट पड़े और बैटरी जो है थोड़ी स्वेल हो जाए या इवन बस्ट भी हो सकती है इन एक्सट्रीम केसेस में। तो यार मतलब आपको नहीं रखना चाहिए हीट वगैरह गर्म जगहों पर भी, मतलब ये यहाँ ज़रूरी नहीं कि सनलाइट ही हो, गर्म जगहों पर मत रखिए अपने स्मार्टफोन को, पॉसिबल हो तो यार ठंडी से ठंडी जगहों पर रखिए अपने स्मार्टफोन को, ताकि आपको जो CPU है, आपका जो GPU है, आपकी जो बैटरी है वो मतलब ठीक टेम्परेचर पर रहे, इतना भी ठंडा नहीं कि आपने फ्रिज में डाल दिया
ऐसा भी नहीं, मतलब एक रूम टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए आपके स्मार्टफोन में, और हीटअप होने से डेफिनेटली यार थोड़ा बहुत तो फर्क आपके स्मार्टफोन में पड़ेगा। और ये थोड़ी थोड़ी हीटिंग जब लॉन्ग टर्म आप सालों तक यूज़ करते हैं, एक तीन साल चार साल तक स्मार्टफोन को यूज़ करते हो, तो ये थोड़ी थोड़ी हीटिंग करके बड़ा अमाउंट बना लेती है और आपके स्मार्टफोन को एक बड़ा इफेक्ट देती है। तो फिर यहाँ जो एक और गलत बात है जो लोग अपने स्मार्टफोन के साथ नहीं करते हैं एक्चुअली, वो ये है कि अपने जो डेटा है उसे वो बैकअप नहीं करते। तो यहाँ पर यार बैकअप करना अपने डेटा को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर यार फॉर एग्जाम्पल कोई भी मतलब कुछ भी हो गया हो आपके स्मार्टफोन में, मतलब चोरी हो गया आपका स्मार्टफोन मान लीजिए, या कहीं खो गया, तो आप क्या करेंगे? अब उनमें सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, उनमें जो आपकी बहुत प्रीशियस फोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, आपकी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारा डेटा कहाँ जाएगा? आपने कभी सोचा है? तो यार इस सब से बचने के लिए आपको अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन के सारे डेटा को बैकअप कर लेना चाहिए गूगल के ड्राइव पर, जिससे होगा ये कि जब भी मतलब आपका अगर कोई स्मार्टफोन खो जाता है तो वो डेटा कहीं नहीं जाएगा, आप उसे अपने गूगल ड्राइव या बैकअप वाले जगह पर जो है आप जाएंगे, साइन इन करेंगे अपने ईमेल आईडी पासवर्ड वगैरह से और अपने डेटा को वापस रिकवर कर पाएंगे, उतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा। क्योंकि डेफिनेटली स्मार्टफोन खोता है ना तो स्मार्टफोन खोने की कम दिक्कत होती है, लेकिन उसमें जो डेटा होता है वो खोने की सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो लास्ट मेथड है अपने स्मार्टफोन के साथ बुरा व्यवहार करने का, वो ये है कि वो अपने स्मार्टफोन को रूट करने की कोशिश करते हैं। तो मतलब यहाँ पर हार्मफुल चीज़ें भी होती हैं और काफ़ी अच्छी चीज़ें भी होती हैं रूटिंग के, मतलब प्रोज भी हैं कॉन्स भी हैं। यहाँ पर प्रोज ये है कि आपको मतलब अपने स्मार्टफोन का फुल एक्सेस मिल जाता है, और डेफिनेटली फुल एक्सेस उन लोगों के लिए होता है जो अच्छे खासे एंड्रॉयड डेवलपर हैं, एंड्रॉयड के बारे में अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं, क्या कस्टम रोम होता है, क्या बूट लोडर होता है, क्या सब चीज़ों के बारे में जब इन्हें पता होता है, रिकवरी क्या होती है, फास्ट बूट क्या होता है, ये सब चीज़ें जिन्हें पता होती हैं उनके लिए रूटिंग काफ़ी अच्छी है। और साथ ही साथ कस्टमाइजेशन के लिए वो रूटिंग की जाती है ताकि आप जो स्मार्टफोन में है कस्टमाइजेशन कर सकें। तो डेफिनेटली यार बेसिक यूजर्स जो होते हैं एंड्रॉयड के उन्हें रूटिंग नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर कौन सी ये है कि अगर आपका स्मार्टफोन रूटेड है तो आप जो मतलब फुल एक्सेस तो कर सकते हैं इंटरनल फाइल्स में, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है आप बहुत मतलब दूसरे लोग अगर किसी ने आपका स्मार्टफोन हैक किया तो वो भी एक्सेस कर लेगा इंटरनल फाइल्स को, तो रूट मत किया। तो फ्रेंड ये थे कुछ गलत तरीके जिससे आप अपने स्मार्टफोन को आज से पहले यूज़ कर रहे थे, और डेफिनेटली यार आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप इन तरीकों को यूज़ नहीं करेंगे, इनमें इंप्रूवमेंट करेंगे और आपका स्मार्टफोन जो है वो अच्छे से काम करेगा आपके लिए लॉन्ग टर्म में भी। और आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ बहुत अच्छा सीखने को मिला होगा। अगर आपको लगता है कि यार कुछ अच्छा सीखने को मिला है, मैंने कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दी है, तो यार प्लीज़ यार आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा इस दोबारा से चैनल मेरा सब्सक्राइब होगा। और यार मतलब रिक्वेस्ट है एक तरह से, अगर आपको लगता है कि मैं डिजर्व करता हूँ, थोड़ा बहुत मेहनत करता हूँ वीडियोज़ में और कुछ अच्छा आपके लिए लेके आता रहता हूँ, तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर लेना। और चाहते हैं कि इनके मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले, आप मेरी वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते, यार बराबर बेल आइकन भी मिलेगा सब्सक्राइब करने के बाद, उसे भी प्रेस कर देना तो न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। और आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।